आज मैं आपको वो हृदय विदारक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका संबंध बीते हुए कल से ही नहीं है, बल्कि जो आपके वर्तमान और आने वाले कल के लिए भी एक चेतावनी है। ये कहानी है मालाबार के हजारों हिंदू पुरुषों और महिलाओं की, जिनकी चीतकारों के भाग्य में किताबों के पन्ने भी नहीं आए। सन 1921 भारत में तुर्की के इस्लामी खलीफा के लिए कांग्रेस के समर्थन से मुसलमानों द्वारा चलाया जा रहा खिलाफत आंदोलन अपने चरम पर था। मुसलमान दुनिया भर में इस्लामिक सत्ता अर्थात खिलाफत स्थापित करने के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह तत्पर थे। जहां एक ओर खिलाफत सभाओं में काफिरों को खत्म करने के लिए जिहाद के नारे लग रहे थे, वहीं दूसरी ओर मोहनदास गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हिंदुओं से हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगवा रही थी। इतना ही नहीं, मोहनदास गांधी और कांग्रेस हिंदुओं को इस्लामिक खिलाफत आंदोलन के लिए धन देने तक के लिए कह रहे थे। मुसलमानों का मजहबी उन्माद पूरे उफान पर था। मुसलमान नेता इस्लामिक देशों के धड़ाधड़ दौरे कर रहे थे और भारत पर हमला करके यहां खिलाफत स्थापित करने के लिए उनसे अपील कर रहे थे। जब स्वामी श्रद्धानंद जैसे समझदार हिंदू नेताओं ने खिलाफत सभाओं में काफिरों के विरुद्ध जिहाद के नारों की बात उठाई, तो मोहनदास गांधी ने मुस्कुराकर कहा कि मुसलमान तो ब्रिटिश नौकरशाही के खिलाफ हैं। इस पर स्वामी श्रद्धानंद ने कहा, जब मुस्लिम मौलानाओं के मन में उल्टी भावनाएं आ गई हैं, तो उन्हें इस हिंसा का इस्तेमाल हिंदुओं के विरुद्ध करने से कोई नहीं रोक सकेगा। स्वामी श्रद्धानंद की बात जल्द ही सत्य सिद्ध होती नजर आई। पंजाब से खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख सूत्रधार अल्लाह बख्श केरल के मालाबार में आया हुआ था। उसकी यात्रा में हिंदू मुसलमान एकता प्रदर्शन के लिए उसकी गाड़ी घोड़ों की जगह हिंदुओं से खिंचवाई गई और अल्लाह अकबर के नारे लगवाए गए। अगस्त 1920 में गांधी ने केरल का दौरा कर वहां खिलाफत कमेटियां स्थापित कराई। केरल के हिंदुओं से खिलाफत आंदोलन के लिए जबरदस्त तरीके से धन भी इकट्ठा करवाया गया। मक्का से पढ़ाई करके आने वाले कट्टर और जिहादी मानसिकता वाले अली मुसलियार और उसके साथी वरियन कुन्नत कुंजहम्मद हाजी, सीती कोया तंगल, चेम्ब्रासरी तंगल काफी पहले से मालाबार में इस्लामिक राज्य स्थापित करने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से लड़े हुए और प्रशिक्षित पूर्व मुसलमान सैनिकों और युवा मुसलमानों को इकट्ठा किया तथा खिलाफत स्थापित करने के लिए एक खिलाफत आर्मी बनाई। ये खिलाफत आर्मी यूनिफॉर्म और हथियार से लैस थी। ये सभी मुसलमान कुरान पर हाथ रखकर कसम खाते थे कि खिलाफत स्थापित करने के लिए वे अपने प्राण तक दे देंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस इस्लामिक सेना में 60,000 तक सैनिक भर्ती थे। यह इस्लामिक सेना मालाबार के कई क्षेत्रों में सड़कों पर परेड तक करने लगी। 22 अगस्त 1921 को जमात मस्जिद मालाबार को इस्लामिक खिलाफत का क्षेत्र घोषित करके अली मुसलियार को वहां का इस्लामिक राजा घोषित कर दिया गया। पूरे क्षेत्र को इस्लामिक शरिया क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इमारतों पर तुर्की खलीफा के झंडे लगा दिए गए। एक विशेष प्रकार के छुरे जिन्हें खिलाफत छुरा कहा गया, इनका बड़ी भारी संख्या में निर्माण कर मुसलमानों में बांटा गया। अब इस शरिया क्षेत्र में बारी आई हिंदू काफिरों की। काफिर हिंदुओं को इस्लाम और मृत्यु में से एक विकल्प चुनने को कहा गया। मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर भयानक अत्याचार शुरू हो गए। हजारों की संख्या में हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर मुसलमान बना दिया गया। जिन हिंदुओं ने मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया, उन्हें मार दिया गया। उनके घरों को लूटा गया और आग लगा दी गई। हिंदुओं के क्षत विक्षत शवों से मालाबार के कुएं और सड़कें भरे पड़े थे। गर्भवती महिलाओं के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके सड़कों और जंगलों में फेंक दिए गए। इनके गर्भ से निकले अजन्मे बच्चे जहां तहां पड़े थे। निर्दोष और असहाय हिंदू बच्चों को उनके माता पिता भाई बहनों के सामने तड़पा तड़पा कर मारा गया। युवकों को यातनाएं दी गई, कुछ को जिंदा जला दिया गया।
हिंदू महिलाओं और युवतियों के साथ दुष्कर्म किए गए, उन्हें जबरन दासी बनाकर रखा गया, बेशर्मी और वहशीपन की सारी हदें पार की गई, देवालयों पर लहराते हुए हिंदू ध्वजों को उतारकर उनके स्थान पर इस्लामिक झंडे लगा दिए गए, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, मंदिर परिसरों में गायों को काटा गया, हजारों की संख्या में निर्वस्त्र भूखे प्यासे हिंदुओं को जंगलों में भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। एनी बेसेंट और मालाबार की एक हिंदू महिला द्वारा तत्कालीन वायसराय रीडिंग की पत्नी को लिखे पत्र, जिनमें इन सभी अत्याचारों का विवरण है, रोंगटे खड़े कर देते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इस भयंकर नरसंहार में 1500 हिंदुओं की हत्या, 20,000 का बलात् इस्लामीकरण और लगभग 3 करोड़ की प्रॉपर्टी की लूट हुई। हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म की कोई सीमा नहीं थी। आधिकारिक ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के अनुसार मुसलमानों ने 10,000 हिंदुओं की हत्या की। शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले और खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष मोहनदास गांधी का हवाला देकर जब हिंदुओं ने मुसलमानों से हिंसा रोकने की गुहार लगाई तो उन्होंने कहा, गांधी वो तो एक काफिर है, वो हमारा नेता कैसे हो सकता है। जब मालाबार के हिंदुओं के इस भीषण हत्याकांड की खबरें पूरे देश में फैलने लगी तो आरंभ में गांधी और कांग्रेस इससे मुकरते रहे, लेकिन जब छुपाना मुश्किल हो गया तो कांग्रेस सभा में हिंदुओं के इस नरसंहार पर केवल एक निंदा प्रस्ताव रखा गया। निंदा प्रस्ताव मात्र पर तथाकथित राष्ट्रवादी मुसलमान नेता खुलकर और पूरी आक्रामकता के साथ अपने मजहबी रंग में आ गए। मौलाना फकीर, मौलाना हसरत मोहानी और दूसरे मौलानाओं ने निंदा प्रस्ताव का विरोध किया। गांधी और कांग्रेस इन खिलाफती नेताओं के सामने पूरी तरह नतमस्तक थी। जिसने भी हिंदुओं का पक्ष रखा और सही सही स्थिति बताई उसे देश का शत्रु और हिंदू मुस्लिम एकता में बाधक कहा गया। मोहनदास गांधी ने तो इस हत्याकांड के लिए हिंदुओं को ही आरोपी बता दिया। 26 जनवरी 1922 के यंग इंडिया के अपने लेख में गांधी ने लिखा, मोपला दंगों के लिए हिंदू ही आरोपी है, हिंदुओं ने मुसलमानों का ध्यान नहीं रखा, उन्हें अपना मित्र नहीं माना, अब मुसलमानों पर क्रोध करने का कोई लाभ नहीं। इतना ही नहीं, गांधी ने मुसलमानों की हिंसा को सही बताते हुए बोला, वे मोपला मुसलमान अल्लाह को मानने वाले बहादुर लोग हैं जो अपने मजहब के लिए लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई का तरीका उनके मजहब के अनुसार मान्य है। स्पष्टतः खिलाफती नेताओं का स्वराज से मतलब इस्लामिक खिलाफत स्थापित करना और एकता से मतलब सभी काफिरों का मुसलमान हो जाने से था। लगभग 5 महीने तक मालाबार के मल्लपुरम, मांजेरी, पांडिकोड और तिरूर जैसे क्षेत्रों में इस्लामिक राज कायम रहा और काफिर हिंदू और उनकी महिलाओं पर अकथनीय अत्याचार किए गए। क्योंकि मालाबार के मुसलमानों को मोपला मुसलमान भी कहा जाता है, इसलिए इस नरसंहार को मोपला हत्याकांड, मोपला दंगा इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकारों ने मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के इस नरसंहार को गरीब किसानों द्वारा ब्रिटिश प्रशासन और अमीर जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह में बदल दिया है। सत्ता द्वारा संरक्षित इन वामपंथी इतिहासकारों ने भारत के एक भाग में इस्लामिक क्षेत्र स्थापित करने और वहां काफिर हिंदुओं के नरसंहार को स्वराज स्थापित करने वाला स्वतंत्रता आंदोलन सिद्ध कर दिया है। लेकिन असली इतिहास तो उन हजारों हिंदुओं और महिलाओं के खून और चीत्कारों से लिखा है जो इस्लामिक क्रूरता और नेताओं की तुष्टिकरण की राजनीति की भेंट चढ़ गए।